कश्मीर लोक उत्सव कार्यक्रम की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी कलाकारों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी भी समाज के विकास का आधार कला एवं कलाकार ही होते हैं। समाज की मूल आत्मा जो उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, वह सदियों की साधना से निर्मित की गई संस्कृति ही होती है। यह सच है कि हर एक व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक क्षमता होती है, लेकिन कुछ ऐसे बिरले साधक होते हैं जो कला संस्कृति की साधना की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उनके और ऋषि सूफी फकीरों के बीच कोई विशेष भेद नहीं रह जाता है। और इसीलिए कला की विधा कोई भी हो, उसकी सृजनात्मकता से समाज में नए जीवन की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र में जीवंतता पैदा होती है और नागरिकों में भी नई ऊर्जा का जन्म होता है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहां हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा चुके हैं। इस गौरवमय क्षण में हमें ये भी याद रखना होगा कि सदियों से चांद के प्रति आकर्षण पैदा करने का जो काम हुआ, पहले किसी कवि ने ही उसी के हृदय से प्रस्फुटित हुआ होगा, किसी चित्रकार की कूंची ने ही चांद का जन्म दिया होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विज्ञान के साथ संस्कृति, साइंस के साथ कल्चर और संस्कार का मिला जुला संतुलन ही किसी समाज को स्वस्थ रख सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि समय का वर्तुल पूरा हो गया है और जम्मू कश्मीर में फिर से वही हवाएं चल पड़ी हैं, वही वातावरण पैदा हो रहा है जिसने इसे प्राचीन समय से धरती का स्वर्ग बनाया हुआ था, जिसकी वजह से कला के विभिन्न स्वरूपों को खिलने का अवसर मिलने लगा है। चाहे लोक कलाओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो, थिएटर की शुरुआत हो, कवियों शायरों की महफिल हो, नृत्य की विभिन्न कलाओं का प्रमोशन हो, पेंटिंग हो, हर क्षेत्र में निरंतर आयोजन हो रहे हैं। तमाम इंटरवेंशंस के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि कला और कलाकार दोनों समृद्ध हों और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो जम्मू कश्मीर की रही है, एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को भी और पूरे देश को गौरवान्वित बनाए।